बहुत प्यार, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने 16 इयर्स कंप्लीट किए अपने इस प्रोग्राम में, तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। कीप गोइंग द वे यू आर, और बहुत अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं म्यूजिकली, और मैंने देखा कुछ मैजिक शो भी चल रहे थे बच्चों के लिए, इट्स वेरी नाइस। और इन दिनों में तो खासकर ये चीजें हमारे लिए बहुत बना हुआ है इनके साथ, क्योंकि हम घर पे बैठ के मैजिक भी देख रहे हैं, संगीत भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, तो कल्चर के साथ जुड़े रहना बहुत बढ़िया बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे आज सुबह एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप शामिल होना चाहेंगे, तो बच्चों को इंस्पिरेशन देना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जिंदगी सारी बच्चों के साथ संगीत में और अपनी माँ के साथ बैठ के संगीत में गुजरी है। तो बच्चों को ये बताना कि संगीत के साथ आप लोग जुड़े हो और कल्चर के साथ जुड़े हो, क्योंकि अपनी ओरिजिन से अपने रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, अपने कल्चर को सही तरीके से पहचानना और अच्छा अच्छा काम करना जिंदगी में। अटेन ग्रेट हाइट्स, मेहनत करो बहुत सारी, और जो भी फील्ड में शामिल हो वहाँ पे आप तरक्की पाओगे। सो मैं ये नहीं मुझे मालूम कि मैं आपको कौन सा गीत सुनाऊँ और कैसा गीत सुनना चाहेंगे, पर मेरी माँ जितने पंजाब की नाइटिंगेल ऑफ पंजाब का खिताब हासिल किया उसके गीत सारे बहुत मशहूर हुए हमेशा, तो उन्हीं गीतों में से एक गीत आपके साथ शेयर करूँ। नठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आपो सामने बोलो दी रुस के ना लंग माया, नठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आपो सामने बोलो दी रुस के ना लंग माया, ਸਾਡੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਮੋਛਾ ਮੋੜਿਆ ਓਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਮੋਛਾ ਖੁਸ਼ੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਮੋਛਾ ਮੋੜਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿੰਜ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਰੱਖੇ ਦੀ ਚਾਦ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਆਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਇਆ। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई बातें मेरे साथ करें, कोई सवाल मेरे से पूछे तो मैं बताऊं आपको कि जिंदगी के बीच में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने, बड़े बड़े उस्तादों से संगीत सीखने का मौका मिला, मेरे बहुत प्यारे उस्ताद थे आसिफ अब्दुल रहमान का पटियाला घराना के, जिनसे मैंने तालीम ली, और मुझे पटियाला घराना का संगीत ही सबसे प्यारा लगता है क्योंकि उसके बीच में फीलिंग्स के साथ गीत को पेश किया जाता है, अच्छे खूबसूरत लिरिक्स होते हैं और अच्छी मेलोडी होती है, और आप अच्छे लोग सारे संगीत जो सीख रहे हैं क्लासिकल जरूरी है बहुत, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो संगीत की बेस ग्रामर, अगर ग्रामर आएगी तो लैंग्वेज अच्छी आएगी, अगर आपको ग्रामर नहीं मालूम होगी तो फिर आपकी जुबान तरफर आएगी, उसमें डेफिनेट कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने क्या कह, रागों की इंफॉर्मेशन, रागों की तालीम, रागों के साथ जुड़े रहने से अगर आपने प्रोफेशनल सिंगर बने तो फिर तो बहुत जरूरी है कि आप रागों की क्लासिकल की तालीम लें, और जैसे मुझे पता लगा है कि आपके इस एसोसिएशन में बहुत काम किया जा रहा है संगीत के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, खूब अच्छा अच्छा सीखो और बढ़िया बढ़िया। तो उनको आप एक महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जितना आपने अभ्यास किया उस अभ्यास के बारे में इन बच्चों को अवगत कराएं कि ये उस अभ्यास को किस क्रम में रखें, सो देट आप जिस मुकाम तक पहुंचे, जिस मुकाम तक हमारे आपके मदर पहुंचे, उस मुकाम तक ये बच्चे आज की जो पीढ़ी है वो कैसे पहुँच सकती है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कठिन सवाल है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत मुश्किल है, मेहनत बहुत मांगता है, और मुश्किल इसलिए है कि इसमें
अनथक मेहनत करनी पड़ती है। ये एक विशाल सागर है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना सीखोगे, जितना रियाज करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही इसके बीच में आप प्रोग्रेस करोगे। जो सबसे जरूरी है कि आप मेहनत जितना दीजिएगा। और मुझे इतना याद है कि हम सब जब सिखाते थे तो 14-14 घंटे तक संगीत का माहौल होता था और जबरदस्त ट्रेनिंग होती थी और कई कई घंटों का अभ्यास होता था और दिन ब दिन ये कभी खत्म नहीं होता, ये रियाज चलता ही रहता। आज तक रोज रियाज करना ही होता है, जिस दिन नहीं करते उस दिन ऐसे दिल थोड़ा उदास है। तो रियाज के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। इस फील्ड की यही खासियत है कि आप हर दिन कुछ नया तजर्बा करते हो, अपने अंदर के फीलिंग्स को जाहिर करने का अंदाज आपको आ जाता है। क्योंकि रियाज किया होता है, रागों को सीखा होता है, तो उसके बीच में फीलिंग्स को आगे पेश करने का तजर्बा धीरे धीरे आता है। तो इसके बीच में मेहनत बहुत इन्वॉल्व है और मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया, हमारे बच्चों को गाइडलाइंस दी। एक बात मैं और आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ, हमारे साथ अक्सर हर आयु वर्ग के लोग जुड़े होते हैं, तो बच्चों का आजकल क्योंकि अभिभावक जो माता पिता हैं वो टेलीविजन को देखते हैं और शो को देखते हैं और अगले दिन उनका एक ही सवाल होता है, ये जो बच्चा है तो मैं कब गाएगा, आज गा सकता है, टीवी पर कब गाने लग जाएगा, तो उन आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि संगीत संगीत साधना का विषय, जैसा कि अभी आपने बताया कि 14 आवर्स आप प्रैक्टिस करते थे, मैं सच है मैं मानता हूँ इस बात से एग्री हूँ, तो उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है कि वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, इस बारे में कुछ बताइए प्लीज। एक्चुअली आजकल जो टैलेंट हंट्स टीवी के ऊपर लोग देखते हैं, उनको लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कौन सी बड़ी मेहनत की होगी, कौन सा बड़ा कई कई घंटे रियाज किया होगा, शौक है और गा लेते हैं, सुन के उसको कॉपी कर लेते हैं। सुन के कॉपी करना ही इस प्रोफेशन में काफी मिले, सुन के कॉपी करना एक बड़ी अच्छी बात है कि उसके बच्चे में कैपेबल है, वो ग्रास्प कर लेते हैं, सुन के सीख लेते हैं, पर वो बड़ा शैलो नॉलेज, उसकी गहराई नहीं बच्चे को पता नहीं, वो ऊपर ऊपर की नॉलेज है। जब तक आप बकायदा तालीम नहीं लेंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, तो उसकी गहराई में नहीं जा सकते। और पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा अगर स्कूल के किसी परफॉर्मेंस में अच्छा कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज लेके आ गया तो वो सीधा सिंगर ही बन जाएगा या टैलेंट हंट में फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करनी बहुत जरूरी, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक हॉबी की तरह से बचपन में चलता है, संगीत और नृत्य जो है ये एक हॉबी की तरह चलता है। और जब देखने की बच्चे की में एप्टीट्यूड है, उसका शौक है कि वो गाने में या डांस करने में अच्छा है, तो तब उसको बकायदा तालीम दीजिए ताकि उसके बीच में पुख्ता हो जाए, सॉलिड हो जाए और उसको उस प्रोफेशन में जाने के लिए पूरी उसमें मेहनत हो और उसमें लगन हो। अगर बच्चे की लगन नहीं है तो भी ये प्रोफेशन कामयाब नहीं होगा। पेरेंट्स की लगन से ये नहीं हो सकता, पेरेंट्स चाहे और बच्चा गाले ऐसे नहीं होता, ये बच्चे की खुद की लगन होनी जरूरी है। और उस लगन को बनाने के लिए पेरेंट्स को जरूर इंकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बच्चों के शौक को जरूर पूरा करना चाहिए। पर प्रोफेशनली अगर आप इस खत्ते में जाना चाहते हैं तो बहुत मेहनत होगी। मैं डरा नहीं रही पर थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे बच्चों को गाइडलाइंस आपने दी। और क्योंकि एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, समय का अभाव है, मैं आपका फिर से मैं चाहूँगा कि हम अगले कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ें और एक वार्तालाप हो केवल और केवल इसी विषय पर कि हम बच्चों को क्या क्या कराएं, कैसे कराएं, और क्योंकि आपके पास जो अनुभव है उस अनुभव को साझा करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा वार्तालाप का वो रखें क्रम जिसमें बच्चों को और ज्ञान मिल सके। तो आखिरी मेरा सवाल है आज का आपसे कि आजकल जो बच्चा यूट्यूब का सहारा लेता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, यूट्यूब मान लेते हैं हाँ वहां से ज्ञान मिल सकता है लेकिन करेक्शन नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप दो पंक्तियों में छोटा बताइए प्लीज।
मैं ये बताना चाहूंगी कि जब संगीत को किताबों में लिखा जाता है, तो स्वर लिखे होते हैं, बंदिश भी लिखी होती है, पर उसको बंदिश को और उन सुरों को कहना कैसे, उसको बताने के लिए एक गुरु है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना संगीत कभी भी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि गुरु ही बता सकते हैं कि आज तुम्हारा स्वर ठीक है या नहीं है। यार तुम ये स्वर ठीक लगा रहे हो इस राग में, वो किताब में लिखा हुआ पढ़ के नहीं आता संगीत कभी। संगीत हमेशा गुरु से सीखते, तो गुरुओं की पूरी गलत करो, गुरुओं की इज्जत करो और मन में ये धारण कर लो कि गुरु ही हमारे भगवान। तो गुरु को अगर ये दर्जा बच्चा दे दे, तो फिर जो गुरु करेगा वो उसको मानना पड़ेगा दिल से। तो अपने गुरुओं की इज्जत करो और पूरी तालीम पूरी लगन के साथ करो, मेहनत करो, जरूर काम। Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. God bless you. Thank you.